हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे संघर्ष सिद्धांत के स्रोतों की, स्रोत के प्रकार। क्योंकि मैंने संघर्ष का अर्थ बताया था, विशेषताएं बताई थी, उसकी प्रकृति बताई थी, लेकिन फिर एक बच्चे का कमेंट आया कि उनको स्रोत भी चाहिए, संघर्ष सिद्धांत के स्रोत और उनके प्रकार। और किसी ने मुझसे पूछा कि किस बुक में से हैं, तो बुक का नाम है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें जो ये सिद्धांत दिया हुआ है संघर्ष सिद्धांत, तो उसके बारे में बहुत अच्छी व्याख्या कर रखी है। और उसमें कार्ल मार्क्स, कोलिंस, कोजर और डैनरफ, इन सभी का विश्लेषण है। तो टाइम निकलेगा तो इसकी, इस बुक के थ्रू जो भी नोट्स होंगे इसके, वो मैं पढ़ाऊँगी या करेंगे साथ में मिलके। और इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप का मैं इसमें लिंक दे दूंगी, वहाँ पर उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। बाकी तुम्हारा मन करे 1080 इसकी वीडियो क्वालिटी करके देख लेना। कुछ को ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि स्लो चलती है वीडियो, क्योंकि कुछ चीज़ें समझानी होती है तो उसमें स्लो मोशन चला जाता है। आप अपने फ़ोन को थोड़ा तेज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप सुन लो। मेन पॉइंट है समझाना और आपका समझना, ठीक है। नोट्स इसलिए अलग से नहीं बनाए हैं क्योंकि फिर बुक की ज़रूरत पड़ती ही है, और नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक की रह जाती है। क्योंकि इस बुक में जो एक एक चीज़ समझाई गई है वो बहुत बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाई गई है, जो बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, संघर्ष सिद्धांत, सिद्धांत के स्रोतों के प्रकार, ठीक है। संघर्ष सिद्धांत है, उसके स्रोत हैं, और वो स्रोत किन किन प्रकारों के हैं या कितने हैं, तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो कोलिंस कहते हैं जो संघर्ष सिद्धांत के स्रोत हैं वो फिलहाल कोलिंस के अकॉर्डिंग हैं। कोलिंस कहते हैं कि कोलिंस संघर्ष सिद्धांत का प्रारंभ सामाजिक संरचना में परिवर्तन से करते हैं, कि सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उनसे ही इसके स्रोत निकलते हैं। जब कभी संघर्ष होता है तो इस संघर्ष का कोई ना कोई स्रोत वह खूंटी होती है जिससे बछड़ा बंधा होता है। कहने का मतलब वो है कि जो भी बंदा संघर्ष करेगा उसके पीछे कोई ना कोई उसका गॉडफादर ज़रूर होगा, तभी इंसान जो है संघर्ष करता है, ठीक है। और बिना खूंटी से बंधा बछड़ा मनमानी उछल कूद करेगा तो वह धड़ाम से नीचे गिरता है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष का आह्वान करता है और कहता है कि गर्दन तोड़ दूंगा, हाथ पांव मोड़ दूंगा, तो बिना किसी खूंटी यानी स्रोत के जिससे उसे सहायता मिल सके, वह इस तरह चुनौतीपूर्ण वाणी नहीं फुंकार सकता, ठीक है। कि जो बात मैंने अभी कही सेम वही वर्डिंग है, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग, और बुक में भी बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है कि बिना किसी आधार के व्यक्ति लड़ाई नहीं कर सकता, जबकि उसको नहीं दिखाई देता कि उसको बचाने वाला भी उसके पास कोई ना कोई है, ठीक है। अब चलते हैं, वाणी नहीं फुंकार सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति या समूह किन्हीं स्रोतों पर निर्भर होते हैं। जब तस्करी की जाती है तो तस्कर जो है वो भली प्रकार जानता है, वो अच्छे से जानता है कि उसके पास ऐसे राजनीतिज्ञ व आर्थिक स्रोत हैं जो उसे जेल के सिकंजों में कभी नहीं जाने देंगे। बिना स्रोत के संघर्ष में कूदना ना समझी है कि जब तक आपको कोई ऊपर बचाने वाला नहीं है तो आप इस तरह के काम ना करें, या फिर इस तरह के काम करना बेवकूफ़ी होगी। और सब लोग जानते हैं कि उन्हें बचाने वाले हैं, तो इसीलिए वो ये काम करते हैं। तो इस तरह से कोलिंस ने स्रोतों के चार प्रकार बताए हैं, संघर्ष के स्रोतों के चार प्रकार बताए हैं। 1, भौतिक और तकनीकी स्रोत। भौतिक और तकनीकी स्रोत इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आएंगे? इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा दीक्षा, कुशलता और सर्वाधिक हथियार आते हैं, ठीक है। ये हुए भौतिक और तकनीकी स्रोत। 2 आता है शारीरिक आकर्षण और शक्ति। शारीरिक आकर्षण और शक्ति इसमें कभी कभी पुरुष या स्त्री का शारीरिक व्यक्तित्व, रंग रूप आदि भी सामाजिक संपर्कों में सहायक होते हैं। सुरीला कंठ होना, लंबी गर्दन, गोरा रंग व लंबा कद अपने आप में आकर्षक तत्व हैं।
किसी भी संघर्ष की स्थिति में ये व्यक्तिक गुण एक ताकतवर स्रोत का काम करते हैं। कोई भी इस तरह का व्यक्ति तो किसी को भी सामने वाले को बेवकूफ बना सकता है। यह आम बात है कि दुनिया भर में सुंदर स्त्रियों को लेकर गली कूचों में ही नहीं वरन राष्ट्रों के बीच में भी संघर्ष हुए हैं। तो इसीलिए एक आकर्षण को मेन आधार इसका बताया गया है, शारीरिक आकर्षण और शक्ति। ठीक है, किसी को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है कि मैं इतना शक्तिवान हूँ, वो जगह जगह लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। किसी को लगता है कि हाँ ये सुंदर है या फिर ये मेरी है या वो उसकी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी संघर्षों को का जन्म होता है। नंबर 3, संख्या और कौम की विशिष्टता, कि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हम लड़ाई कर सकते हैं, हमारी कौम विशेष है तो हम लड़ाई कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें संघर्ष को जन्म देती हैं, ये भी संघर्ष का स्रोत होती हैं। संघर्ष में एक ताकतवर स्रोत, अब बुक की लैंग्वेज अब देख लेते हैं। संघर्ष में भाग लेने वाली कौम की संख्या और उसका मिजाज महत्वपूर्ण होता है। सांप्रदायिक दंगों में प्राय यह देखा जाता है कि अमुक कौम बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक। फिर यह भी देखा जाता है कि इस या उस कौम में हिंसा करने या बहादुरी दिखाने पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं। हमारे देश में कई कौमों अर्थात समुदायों को निर्भीक और जाबाज समझा जाता है। ऐसे समूह इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, उदाहरण के लिए सिख, गोरखा, राजपूत, जाट आदि। ठीक है, ये जरा सी बात होगी तो झगड़ा कर बैठेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संप्रदाय के नाम पर या फिर गला काटने के नाम पर या फिर किसी और रूप में, जैसे कि किसी के यहाँ पर संख्या में एक के यहाँ पर 4 लड़के हैं और एक के यहाँ पर 1, तो एक वाला तो हमेशा डर कर ही रहेगा कि मेरा एक है, अगर एक को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। और जिसके 4 हैं तो वो उसके सर पे सवार होकर रहेगा हर टाइम कि मेरे पास तो 4 हैं, अगर एक कम भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से संख्या और कौम की विशेषता एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज स्रोतों की। ठीक है, नेक्स्ट चलता है नंबर 4, संस्कृति एवं परंपराओं में निहित स्रोत। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या हुआ, भौतिक और तकनीकी स्रोत, दूसरा शारीरिक आकर्षण और शक्ति, तीसरा संख्या और कौम की विशेषता, और नंबर 4 सांस्कृतिक एवं परंपराओं में निहित स्रोत। कई बार संघर्ष में भागीदारी करने वाले समूहों और व्यक्तियों की सांस्कृतिक संपदा को भी स्रोत के रूप में लिया जाता है। वास्तव में ऐसी अवस्था में सांस्कृतिक का प्रभाव साधन के रूप में किया जाता है और इसके माध्यम से लोगों में संवेगात्मक सुदृढ़ता लाई जाती है। राजस्थान के राजपूत इतिहास में चारण व महा के उपयोग परंपरागत सांस्कृतिक के रूप में किया जाता था। चिता में कूद पड़ना यानी जौहर उसी तरह की सांस्कृतिक सुदृढ़ता है कि एक ऐसी शक्ति या ताकत उन्हें प्राप्त हो जाती थी और जलती आग में महिला जो थी वो कूद पड़ती थी, उसको जौहर प्रथा कहा जाता था। इस तरह की सुदृढ़ता शक्ति का एक स्रोत बन जाती है और लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। तो ये परंपराओं से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिनसे लोग मिलिट्री में भी जाते हैं तो वो भी एक संस्कृति के तौर पर, देश रक्षा की भावना के तौर पर, वो अपने आप की आहुति देने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो संस्कृति एवं परंपराएं इसका एक मुख्य स्रोत है। अब बात कर लेते हैं कि कॉलिंस ने किस तरह इन चीज़ों को समझाया है। 4 पॉइंट हो गए, 4 स्रोत हो गए मेनली अकॉर्डिंग टू कॉलिंस, किसके, संघर्ष सिद्धांत के। ठीक है, मेन इन 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखना और यही 4 पॉइंट आपके इनके संघर्ष के स्रोत होंगे। नंबर 1, भौतिक और तकनीकी स्रोत। नंबर 2, शारीरिक आकर्षण और शक्ति। नंबर 3, संख्या और कौम की विशिष्टता। नंबर 4, संस्कृति एवं परंपराओं में निहित स्रोत। ठीक है, इनको अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपने अकॉर्डिंग समझने के आधार पर आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बुक में और किस तरीके से इसको समझाया गया है और क्या क्या हमें आगे मिलता है। ठीक है, मेन पॉइंट यही था, यहीं पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब बस बुक में क्योंकि बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा समझाया गया है, बस इसलिए हम आगे की बात करते हैं। नहीं तो आप स्टार्ट करो कि कॉलिंस ने
संघर्ष के चार स्रोत बताए हैं और चारों को लिखो एंड डिफाइन कर दो, बस इतना ही ये संघर्ष के स्रोत होंगे। लेकिन चूंकि हमें ये चीज़ समझनी है और ये बुक बहुत अच्छी है, दैट्स वाई हम इसको क्लियर कर लेते हैं पूरे को कि किस तरह तरीके से इन चारों पॉइंट को और अच्छे से क्लियर किया गया है। संघर्ष करने के लिए बहुत बड़ा आधार व्यक्ति या समूह के स्रोत होते हैं, ठीक है, व्यक्ति सबसे बड़ा आधार है या फिर व्यक्तियों के समूह, यही कॉलिंस का ताकतवर तर्क है। कॉलिंस का सबसे ताकतवर जो तर्क है यही है। भौतिक एवं तकनीकी स्रोत बहुत न्यून होते हैं, भौतिक और तकनीकी जो स्रोत हैं वो बहुत कम छोटे होते हैं। इस समूह में लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए जाते हैं, कहाँ तो इनके पास आवास है और कहाँ दो जून की रोटी। त्रासदी व गरीबी का जीवन इन समूहों के सदस्यों को न तो कोई शारीरिक शक्ति प्रदान करता है और न कोई आकर्षण व कोमलता, न ही कोई आकर्षण और कोमलता। इस समूह के लोगों में उच्च लोगों के साथ सामाजिक संपर्क सीमित व बंधे बंधाए होते हैं। ऐसे अधीनस्थ या पदलित सदस्य उच्च लोगों के साथ किसी तरह का सौदा या समझौता नहीं कर सकते। इन समूहों के पास कोई ताकतवर संस्कृति संपदा भी नहीं होती। जब ऐसे दलित समूह संघर्ष की चुनौती देते हैं तो भरोसेमंद स्रोत के अभाव में उनकी हार लगभग निश्चित होती है। जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि जब तक हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो तब तक लड़ना नहीं चाहिए या फिर तब तक वो लोग नहीं लड़ते। देखा होगा कि कोई बड़े से बड़ा क्राइम कर दे उसके पीछे वकीलों की फौज लग जाती है, तो आर्थिक रूप से और उसे मजबूत करने की कोशिश की जाती है और तभी वो लोग क्राइम करते हैं। तो भरोसेमंद स्रोत जो पीछे बैकग्राउंड है वो बहुत ज़रूरी है होना। वस्तुतः संघर्ष के निर्णायक तत्व स्रोत ही हैं। कॉलिंस सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण भी इन्हीं तीनों स्रोतों के आधार पर करते हैं। कौन कौन से? धन दौलत शक्ति और प्रतिष्ठा। धन दौलत शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। कुछ लोगों के पास इन स्रोतों के कारण समाज में गैर बराबरी होती है और गैर बराबरी की खाई को पाटने के लिए संघर्ष होते हैं। यदि हम थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जहां मार्क्स संघर्ष का कारण उत्पादन पद्धति से जोड़ते हैं, ठीक है, मार्क्स क्या कहता है, संघर्ष का जो कारण है वो उत्पादन पद्धति है क्योंकि हमारे पास उत्पादन के साधन कम हैं। जहां वेबर वर्ग व्यवस्था का कारण क्या कहता है, वो शक्ति प्रतिष्ठा और राजनीतिक दल को मानते हैं। अब दिया मार्क्स का क्या है, मार्क्स इसका स्रोत किसको मानते हैं, उत्पादन पद्धति को। वेबर किसको मानते हैं, शक्ति प्रतिष्ठा और राजनीतिक दल को मानते हैं। और डैनड्रफ क्या कहता है, डैनड्रफ वर्ग यानी संघर्ष का कारण प्राधिकार संबंधों की चौड़ी खाई को मानते हैं। ठीक है, तीनों का क्लियर हुआ, मार्क्स का उत्पादन पद्धति, वेबर कहता है शक्ति प्रतिष्ठा और राजनीतिक दल, डैनड्रफ कहता है प्राधिकार संबंधों की चौड़ी खाई है, मतलब अधिकारों को जो संघर्ष है उसका मेन कारण मानते हैं। और कॉलिंस क्या कहता है, कॉलिंस कहता है कि संघर्ष का कारण न्यूनतम स्रोत है कि जो हमारे पास है वो स्रोत कम है, जो जीविका के साधन है वो हमारे पास कम है, कॉलिंस ये कहता है। ठीक है, मार्क्स ने कहा उत्पादन पद्धति की कमी इसका कारण है, वेबर ने कहा शक्ति प्रतिष्ठा और राजनीति की वजह से ऐसा होता है, डैनड्रफ कहता है कि प्राधिकारों की वजह से इनके बीच खाई बन जाती है, और कॉलिंस कहता है कि इनके पास न्यूनतम साधन होते हैं इसलिए संघर्ष होते हैं। जिस व्यक्ति या समूह के पास न्यूनतम स्रोत है वह संघर्ष का आह्वान नहीं कर सकता, और यदि किसी संवेग में आकर आह्वान कर बैठता है तो देखते ही देखते उसकी सांस फूल जाएगी और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, तो वो कैसे काटेगा, लड़ तो पड़ा एक बार लेकिन उसके ऊपर कोई सोर्स ना होने की वजह से वो हार मान लेता है। यह इसलिए कि उसके स्रोतों की स्थिति बहुत ही कमज़ोर और खस्ता है। ठीक है, तो ये था संघर्ष सिद्धांत के स्रोत और उनका डिफाइन करना। आप लोग बता देना कि इस चीज़
को आपको ये कैसी लगी। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि लास्ट टाइम तो मैंने संघर्ष सिद्धांत को अकॉर्डिंग टू दूसरी जो बुक है BA की उसके अकॉर्डिंग कराया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बुक के अकॉर्डिंग आपको संघर्ष सिद्धांत एक बार से फिर बताऊँ, कॉलिंस का, डैंड्रफ का, कोजर का और मार्क्स का, अलग अलग करके कि ये अलग अलग सभी किस पर डिपेंड है, कौन कौन सी बुक है और ये कैसे कैसे संघर्ष सिद्धांत को देते हैं, वो नेट और TGT PGT के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है, जिसको नोट्स चाहिए इस बुक के, तो मैं इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अगर बैक में चले जाएंगे तो दोबारा एक मैसेज छोड़ देना, मैं दोबारा इनको कर दूँगी आपको, या फिर वहाँ पर पर्सनली अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपके नंबर पर भी इनको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, आप बताना ये कैसे लगे आपको, ये पढ़ना कैसा लगा, और संघर्ष सिद्धांत की आगे देते हैं। किसी बच्चे ने गांधी जी के बारे में भी पूछा था कि गांधी जी ने संघर्ष के बारे में कहा, तो उसको भी मैं सर्च करने की कोशिश करती हूँ, उसको भी आपको प्रोवाइड कराऊँगी। ओके, थैंक यू बच्चों, बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट।